अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी मटन करी, जिसे मटन लाल मांस कहा जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटन ले लिया है। इसको अच्छी तरह से क्लीन करके वॉश कर लिया है। आधा किलो मटन में आधा किलो मैंने प्याज ली है स्लाइस में कट करके। अगर आप एक किलो मटन ले रहे हैं तो प्याज भी आपको एक किलो लगेगी। खड़े मसालों में दो दालचीनी के छोटे टुकड़े, तीन हरी इलायची और दो तेज़पत्ते लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। आधा कप दही, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून के करीब कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कचरी पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये मिर्चे, ये मंथानिया मिर्चे हैं, राजस्थानी मिर्चे हैं। ये आपको मिल जाएगी इजीली शॉप पर, या नहीं मिली तो आप कश्मीरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गर्म पानी में मैंने भिगो कर रख दिया था आधे एक घंटे के लिए। इसको पेस्ट बना लेंगे पीस कर। तेज़ वाली मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना बहुत तेज़ हो जाएगा, ये फीकी होती है। तो अब सबसे पहले हम तेल डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच तेल। उसमें खड़े मसालों को डाल देंगे। अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को ना हमें ज़्यादा गोल्डन करना है और ना ही कच्चा रखना है, मीडियम पकाएंगे हम प्याज को। फ्राई कर लेंगे हल्का सा गोल्डन होने तक। कुछ लोग सिर्फ मिर्चे और प्याज के साथ भी इसे बनाते हैं, दही ऐड नहीं करते हैं, बट दही डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो देखिए प्याज इस तरीके से हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसे भून लेंगे। अदरक लहसुन को भूनने के बाद अब इसमें मटन ऐड कर देंगे और मटन को हमें अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि जितना मटन भुनेगा उतना ही टेस्टी ये सालन बनकर तैयार होगा। अब इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड कर दें और इसे भूनना है 10 मिनट तक। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अब इसको 10 मिनट भूनने के बाद ये देखिए मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। ये मिर्चें तेज़ नहीं होती है, आप इसकी जगह कश्मीरी मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फीकी होती है, तेज़ नहीं लगेगी। 20 मिर्चें आपको लेनी है। आधा किलो मटन में 20 मिर्चें लगेंगी और 1 किलो मटन में 40 मिर्चें लगेंगी, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका सालन बनकर तैयार होगा। अब मिर्चों को भूनना है, अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि जितना भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट निकल कर आएगा और कलर भी इसका खिल कर आएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी। अब जो स्पाइसेस मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार होता है। ये राजस्थानी सालन है, आप इसको बनाओगे तो बहुत ही पसंद आने वाली है आपको ये रेसिपी। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर दही को मिक्स करेंगे, वरना दही फट जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पर, 5 मिनट के लिए मसाले को पकने देंगे। देखिए तेल ऊपर आ चुका है, मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, पक चुके हैं। इसमें भुनाई का काम ज़्यादा है, क्योंकि जितना भुनोगे उतना ही ये सालन टेस्टी बनेगा। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 2 ग्लास के करीब। अब इसमें उबाल आने के लिए देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो तब हम इसको कवर कर देंगे। देखिए उबाल आ चुका है, हल्का सा मिक्स कर ले। अब इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए पकने देंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बनकर करी, देखिए मटन करी रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, इसकी थिकनेस इतना ही थिक रखना है आपको, क्योंकि ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा और इसकी जो ग्रेवी होती है वो थिक ही होती है। मटन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, इसको डिश आउट कर लेते हैं।
तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा राजस्थानी मटन लाल मांस बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।